नमस्कार दोस्तों, फ्रीडम न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और इस वक्त हूं मैं आपके साथ राज रावत। और दोस्तों एक खबर है जो कि इस वक्त आपको बताना जरूरी है क्योंकि आप लोग काफी ज्यादा लोग इस खबर को पसंद करते हैं इसलिए। तो दोस्तों कल साक्षी मिश्रा और अजितेश बरेली गए अपने गाँव और अपने घर। वहीं से दोस्तों मैं आपको बता दूं कि साक्षी मिश्रा सोशल मीडिया पर अपने परिवार यानी विक्की मिश्रा भाई और राजेश मिश्रा और जितने भी उनके पास पिक्स थे, फोटोज थे फैमिली के साथ, दोस्तों वो फोटोज शेयर करके अपने परिवार को याद कर रही थी। दोस्तों इससे दोस्तों ये लगाया जाता है कि अंदाजा जो साक्षी मिश्रा के अंदर इस वक्त चल रहा है वो कहीं ना कहीं दोस्तों देखा जाए तो उनको अपने परिवार के बारे में काफ़ी ज़्यादा फिक्र है और उनके बारे में सोच रही है। भले ही दोस्तों उन्होंने ये कदम उठा लिया है लेकिन फिर भी वो अभी भी ये आस लगाए बैठी है कि हमको कब हमारे माता पिता अपनाते हैं, कब हमारे माता पिता परिवार में शामिल करते हैं। लेकिन दोस्तों जिस तरह से वो इस तरह के पोस्ट स्टेटस शेयर कर रही हैं इससे तो दोस्तों ये सीधे सीधे पता चलता है कि साक्षी मिश्रा भले ही ये शादी कर ली है लेकिन खुश अभी भी नहीं है। दोस्तों इससे ये पता चलता है भले इनका शादी अपने मन पसंद से हुआ है, भले ही उन्होंने अजितेश से कर लिया हो, लेकिन फिर भी दोस्तों कहीं ना कहीं देखा जाए तो वो अभी भी खुश नहीं है। वो अपने परिवार के बिना अभी भी अधूरी हैं जिस तरह से दोस्तों देखा जा रहा है उनका रिएक्शन। इसीलिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि इस वक्त मीडिया वालों की नज़र उन पर है और दोनों परिवारों पर मीडिया वालों की नज़र टिकी हुई है कि क्या रिएक्शंस आते हैं, क्या खबरें आती हैं, दोनों परिवार कब मिलते हैं आपस में। ये खबरें दोस्तों काफ़ी ज़्यादा ये मीडिया इस वक्त सतर्क है कि कोई भी खबर आती है तो हर मीडिया चैनल्स अपने न्यूज चैनल पर दिखाना चाहते हैं कोई भी खबर। इसीलिए दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस वक्त साक्षी के मन में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है और वो काफ़ी ज़्यादा मायूस है, टेंशन में है, सोच में पड़ी हुई है अपने परिवार के लिए। दोस्तों इनका ये परिवार के बारे में सोचना आपको कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्या आपको लगता है कि ये साक्षी मिश्रा अजितेश मिश्रा के साथ खुश रहेंगी दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इसी तरह के खबरों के लिए फ्रीडम न्यूज इंडिया के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों ताकि आपको देश और दुनिया की बड़ी खबरें मिलती रहे। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कुछ नए खबरों के साथ। नमस्कार।